आज भी जब खेती का नाम लिया जाता है तो वही पुरानी तस्वीरें जहन में उभरती हैं। जैसे कि एक किसान पुराने तरीकों से खेतों में खाद, बीज और कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इनोवेशन हमेशा तरक्की के साथ चली है और आज मैं आपको लेकर के आया हूं एक ऐसे ही इनोवेशन के पास जिसने किसानों की जिंदगी को आसान किया है। आज मैं आपको लेकर आया हूं आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन के पास। जिन्होंने बनाया है इंडिया का पहला DGCA अप्रूव ड्रोन। तो चलिए आपको मिलवाता हूं अग्रीबोट MX से। तो ये है इंडिया का पहला ड्रोन जिसको DGCA ने उड़ने की ग्रीन चिट दी है। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसको इंडिया में असेंबल नहीं किया गया, बल्कि इसको कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर इसके प्रोपेलर्स और आर्म की बात की जाए तो इसको कार्बन फाइबर से बनाया गया है। कार्बन फाइबर स्टील से भी ज़्यादा मजबूत मटेरियल होता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से जो ड्रोन का ओवरऑल वेट है वो कम हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाती है। अब अगर इसके लैंडिंग गियर्स की बात की जाए तो इसको हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम ग्रिड से बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें काफ़ी मजबूती देखने को मिलती है। अब अगर इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके टैंक की बात की जाए तो इसको HDPE प्लास्टिक से बनाया गया है। इस प्लास्टिक की सबसे खास बात यह है कि किसी भी तरह के केमिकल से ये प्लास्टिक खराब नहीं होती और आप ओवरऑल चेक कर ही सकते हैं। इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ड्रोन को काफी मजबूत बनाया गया है ताकि ये सालों साल किसी भी फार्मर का साथ निभा सके। ड्रोन लेने से पहले एक सवाल जो सभी किसानों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि इस ड्रोन में हमें बैटरी कैसे मिलने वाली है, और इस ड्रोन में आपको इंडस्ट्री की बेस्ट लिथियम आयन बैटरी मिलने वाली है जो होगी 25,200 mAh की। इसको कंप्लीट चार्ज करने में आपको करीब करीब 45 मिनट का टाइम लगेगा और एक बारी कंप्लीटली चार्ज हो जाती है तो आप इससे 3 acres लैंड पे स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर बैटरी की लाइफ की बात की जाए कि ओवरऑल बैटरी कितने चलने वाली है तो एक बैटरी के साथ आप 1500 acres लैंड पे इजीली स्प्रे कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसे एक बैटरी के साथ आपको 500 साइकल्स देखने को मिलती हैं। तो इंडस्ट्री की बेस्ट लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। बैटरी काफी लंबी चलेगी, इजीली चार्ज हो जाएगी और आप लंबे समय तक इस बैटरी के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके स्प्रेइंग टाइम की बात की जाए तो 1 acre लैंड पे स्प्रे करने में इसको महज 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे एक ड्रोन से आपका काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत बच सकती है। अब इस ड्रोन को लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होगा वो यही है कि आपका फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और वाटर काफ़ी ज़्यादा बचने लगेगा। अगर आप 1 acre लैंड पर यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपको कम से कम 45 kilograms यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वहीं अगर आप इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप महज 500 ml नैनो यूरिया में उस 1 acre लैंड को फर्टिलाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो आपका पेस्टिसाइड का यूसेज भी 80% तक कम हो जाएगा। वहीं अब अगर वाटर स्प्रेइंग की बात की जाए तो मैन्युअली 1 acre लैंड पर वाटर स्प्रे करने में आपको 150 से 200 liters पानी यूज होता है, लेकिन इस ड्रोन के साथ आप महज 10 liters पानी में ही 1 acre लैंड पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस ड्रोन को लेने के बाद फर्टिलाइजर बचेगा, पेस्टिसाइड बचेगा और पानी तो खूब बचेगा। साथ ही साथ इस ड्रोन में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ड्रोन उड़ाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक दोनों जगह एडास रडार देखने को मिलता है। एडास यानी कि ऑटोमेटिक ड्रोन असिस्टेंट सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर आप इस ड्रोन को किसी फील्ड में उड़ा रहे हैं और सामने अचानक से एक पेड़ आ जाता है तो आपका ये ड्रोन उस पेड़ से नहीं टकराने वाला, बल्कि ये खुद को रीरूट कर लेगा और अपना काम चालू रखेगा। तीसरा जो हमें यहाँ पे रेडार देखने को मिलता है वो ड्रोन के नीचे देखने को मिलता है। इसका नाम है टेरेन रेडार। इसका मेन काम यही है कि जो फसल है उसकी लंबाई को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से
ऊपर या नीचे होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गन्ने की खेती है जिसकी हाइट बहुत ऊंची होती है तो ये रेडार काम करेगा और जो ड्रोन है वो गन्ने के ऊपर उड़ेगा। वहीं अगर आपकी पैडी की खेती है तो ये इसको डिटेक्ट करेगा और ड्रोन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अब भले ही आपकी फसल ऊपर नीचे ही क्यों ना हो, ये इक्वली पूरी फसल पे स्प्रे करने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं कि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए इस ड्रोन में सभी सेफ्टी मेजर्स को यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 2 MP का कैमरा भी देखने को मिलता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है GCS यानी कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ। ये है इस ड्रोन का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसको हम आसान भाषा में रिमोट भी कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे हमें 7 inches की डिस्प्ले देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ ये मल्टी लैंग्वेज है, यानी कि आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे भी आप इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कमांड दे सकते हैं। उसके बाद ये हमें 2 flying modes के साथ भी मिलता है, एक है ऑटोनॉमस और दूसरा है लॉयटर। लॉयटर बेसिकली मैनुअल मोड है जिसमें आपको इस रिमोट के थ्रू इस ड्रोन को उड़ाना होता है, और ऑटोनॉमस की हेल्प से आप अपनी फील्ड को ऑलरेडी मार्क कर सकते हैं और फिर एक बटन प्रेस करने के बाद आपका जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली उड़ेगा, अपना सारा काम करेगा और वापस भी आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इस GCS की जो रेंज है वो 1.5 किलोमीटर तक की है, यानी कि आपका रिमोट अगर यहाँ पे है तो जो आपका ड्रोन है वो 1.5 किलोमीटर तक दूर जा सकता है। इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्योंकि इतनी दूर का आंखों से देखा नहीं जा सकता तो सेफ्टी पर्पस के लिए इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर रखी गई है। अब इसकी जो सबसे खास फीचर जो एक मुझे लगा वो है RTL यानी कि रिटर्न टू लॉन्च। अब देखिए ये फीचर क्या है कि मान लीजिए आपका ड्रोन उड़ रहा है और इसका जो टैंक है वो खाली हो जाता है, या फिर जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है, या फिर कोई भी टेक्निकल खराबी इस ड्रोन को लगती है कि इसमें है, तो ये ठीक उसी जगह वापस आ जाएगा जहां से ये लॉन्च हुआ था और फिर आप इसको दोबारा से रीफिल कर सकते हैं और ये अपना काम वहीं से चालू करेगा जहां से इसने अपना काम छोड़ा था। उसी के साथ है इसमें स्मार्ट बैटरी फेल सिस्टम भी आता है, उससे ये होता है कि जो ड्रोन है वो बार बार अपनी बैटरी को चेक करता रहता है और अगर उसको लगता है कि बैटरी ड्रेन होने वाली है तो ये वापस उसी जगह पे आ जाता है जहां से ये लॉन्च हुआ था। इससे एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ड्रोन पे नजर नहीं रखनी पड़ती कि इसमें वाटर है या नहीं है, बैटरी है या नहीं है, ड्रोन ये सारा काम खुद ही करता है। अब अगर इसकी फ्लाइंग हाइट की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम फ्लाइंग हाइट 30-50 meters है। साथ ही साथ ये जो ड्रोन है वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और आप इसको 0-50 degrees Celsius में ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं देने वाला। इस ड्रोन के साथ आपको एग्रीनेट ऐप भी मिलती है, जिसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आप ड्रोन को डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके ड्रोन का जितना भी डेटा है वो सबका सब आपको अपने फ़ोन पे मिलेगा। यही नहीं, 4G के साथ आप अपने ड्रोन की लाइव ट्रैकिंग भी अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि आपका ड्रोन कहाँ पे है, कितना स्प्रे कर रहा है, क्या स्प्रे कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपने इस ड्रोन को ख़रीदा है और आपका ड्रोन आपकी ऐप पे रजिस्टर है तो अगर आपके आसपास के एरिया में किसी को भी अपने फार्म में स्प्रेइंग की ज़रूरत है तो वो रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी, आप उसको पूरा कर सकते हैं, अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। तो इस ड्रोन को ख़रीदने के बाद आपकी कमाई बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ड्रोन? मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे इस समय इंडियन मार्केट का ये सबसे बेहतरीन ड्रोन लगा है। अब भले ही बात बिल्ड क्वालिटी की हो या फिर बैटरी की हो या फिर सेफ्टी एंड फीचर्स की हो, ये ड्रोन किसी भी मामले में कम नहीं है और उसके बाद जो कंपनी है वो बहुत बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवा रही है। आपको यहाँ पे 24/7 सर्विस मिलेगी और उसी के साथ साथ कंपनी के पास काफ़ी सारी सर्विस वैन्स भी हैं, तो अगर आपके ड्रोन में आपके खेत में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपके घर पे आकर आपको सर्विस देगी। और इस ड्रोन की सबसे खास बात क्या है? वो यही है कि इसको इंडिया में असेंबल नहीं किया गया बल्कि इंडिया में बनाया गया है। इट इज कंप्लीटली मेड इन इंडिया।